योगा हमारे देश के लिए एक बहुत ही भाग्यशाली है कि रोनूदा जैसे म्यूजिशियन हमारे देश में हैं और जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की और स्पेशली फ्लूट की इस ट्रेडिशन को जिंदा रखा है। और उनकी तैयारी, उनकी रूहदारी, उसका कोई मिलान नहीं है। आई थिंक रोनूदा एक पूरी एक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्लूट के पूरी ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने फोक म्यूजिक को एक क्लासिकल म्यूजिक के साथ रख के प्रेजेंट किया है, तो इसमें जितना मज़ा एक क्लासिकल सुनने वाले को आने वाला है, उतना ही मज़ा जो लाइट म्यूजिक सुनने वाले उनको भी आने वाला है। और इसका असर जो है वो बहुत गहरा होने वाला है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जैसे एक बार सुना और उसको भूल गए। आपने अगर इसे एक बार सुना तो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। ये आपकी रूह तक, आपकी अंतरात्मा तक असर करने वाला म्यूजिक है। मुझे लगता है कि मासेस तक अब जो चीज़ अच्छी होती है वो अपने आप पहुंच जाती है। और मासेस का, मासेस क्या है, मासेस जो इंडिविजुअल्स की बनी हुई एक चीज़ है। हम लोग मासेस हैं, आप लोग मासेस हैं, जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम वो सब लोग मासेस हैं। हम सब लोग मिलके सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी का अपना कोई चेहरा नहीं है, इंडिविजुअल्स मिलके सोसाइटी को बनाते हैं। तो इंडिविजुअली मुझे लगता है जितना असर ये मुझे कर रहा है, उतना ही जो कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है उसको भी असर करेगा। जो अल्टीमेटली हम सब लोगों की रूह एक है, हम सब लोगों का असर एक है, हम कितने रिसेप्टिव हैं उस चीज़ के लिए उस पर डिपेंड करता है। और जिस तक ये पहुँचेगा ये उसको असर करने ही वाला। जी, मुझे हर तरह का म्यूज़िक जो अच्छा है वो पसंद है। वो अगर टेक्नो अच्छा है तो मुझे टेक्नो अच्छा म्यूज़िक पसंद है, अगर क्लासिकल तो अच्छा है ही, और फोक, जैज, ब्लूज, जो भी अच्छा है, कोई भी म्यूज़िक बुरा, म्यूज़िक बुरा हो नहीं सकता, म्यूज़िक चीज़ ही अच्छी है। आप अपनी फिल्मों में म्यूज़िक पे कितना ध्यान देते हैं? मेरी फिल्म की तो बात भी करने नहीं के लिए आए, हम तो रोने जाके फ्लूट की बात करने के लिए आए। आप अपनी फिल्मों में आई थिंक सो, ये जो सवाल है कि ये जो हमारा जो ये एक इंग्लिश फ्लूट भी होती है और एक हमारी इंडियन फ्लूट भी होती है, इन इंग्लिश फ्लूट की लिमिटेशंस हैं। हमारे इंडियन फ्लूट की जो जो नई बात है या जो आत्मा है हमारे म्यूज़िक की, जो गले का काम फ्लूट के थ्रू होता है, उसको ग्लोबल लेवल पर ऑब्वियसली रोनूदा कोई आज के म्यूजिशियन तो है नहीं, कोई नए म्यूजिशियन नहीं है, पंडित रोनू मजुमदार हैं, वो ऑलरेडी ग्लोबल उसको कर चुके हैं, ऑलरेडी वेस्ट में उसको लेके जा चुके हैं। और आई थिंक ये तो एक उन्होंने जो कुछ किया है उसमें एक और एक उनकी श्रद्धांजलि है म्यूज़िक के लिए, एक नया आयाम है कि उन्होंने फोक मेलोडीज को इसमें प्रेजेंट किया। आपने अपनी फिल्म में कौन कौन सी फिल्म में रोनू जैसे फ्लूट बजवाया? मेरे जिस भी गाने में फ्लूट बजी है उसमें अगर 100 गानों में से 99 गानों में रोनूदा का म्यूजिक उसमें बजा। मैं तो क्योंकि म्यूजिशियन नहीं हूँ तो मेरे संतुष्ट होने से कोई या असंतुष्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एज ए लिसनर बहुत संतुष्ट हूँ कि इन जनरल क्लासिकल म्यूजिक को जो अब रिस्पेक्ट मिलने लगी है, इन जनरल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को जो अब एक रिस्पेक्ट मिलने लगी है, पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। पहले मीडिया उस पर इतना ध्यान नहीं दिया करता था, आम जनता उस पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी। अब म्यूजिशंस को एक यू नो प्लेटफॉर्म तो है, मतलब प्लेटफॉर्म टू रीच द पीपल, दे नो कि हु इज़ रोनू मजुमदार, नाउ दे कैन सी हु इज़ रोनू मजुमदार, दे कैन सी रोनू मजुमदार प्लेइंग। वो बाद में करेंगे, रोनू दा मेरे जाने के बाद आप 1-to-1 कर सकते हैं उनके साथ। मैं अपनी फिल्म की बात करने यहाँ आया ही नहीं हूँ। ये म्यूजिक सुनने के बाद आप कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तक अब तक आपने रोनू मजुमदार का म्यूजिक नहीं सुना है
तो अब वक्त आ गया कि अब अपने आप को जगाएं और रोनू मजुमदार को म्यूजिक सुने, इस एल्बम को सुने। सर आपका अपना पैशन क्या है, फिल्म डायरेक्शन या म्यूजिक कंपोजिशन? इंटरव्यू देना है फिलहाल तो। विशाल जी आप भारत के एक भावी नागरिक हैं और इंडस्ट्रीज के वेल नोन पर्सन हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच क्रिकेट चल रहा है उसमें टेस्ट सीरीज में आपसे मैं विशेष नहीं करना चाहूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो बकलर ने इस टेस्ट सीरीज में जो दिया है पैसे दिए हैं कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसके लिए इंडिया टीम को क्या करना चाहिए, वहाँ से वापस आ जाना चाहिए या अगला मैच खेलना चाहिए? मैं बताऊँ सबसे अच्छा इलाज ये है, ये अभी सीडी खरीदे रोनू दा की और इसे ऑस्ट्रेलिया कुरियर कीजिए, सब कुछ सही हो जाए, सब लोग म्यूजिक सुनेंगे, बकनर से लेके पॉइंटिंग तक सब लोग सुनेंगे म्यूजिक, शांत हो जाएंगे और सब मैच भी खेलने की जरूरत नहीं होगी, सब जीत जाएंगे, ठीक है।